सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज है ट्रिप का सेकंड डे और कल हम दिल्ली से आए थे जम्मू, और जम्मू में अपने सौरभ भाई के पास रुके थे। ये मेरा क्लासमेट था और मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था। आज भी दस साल पहले हम एक साथ पढ़ते थे और लेकिन आज भी मेरा क्लोज फ्रेंड है। ये मेरे पास आ चुका था, मैं इसके पास पहली बार आया हूँ और जम्मू में भी पहली बार आया हूँ, सबसे पहले इसी के पास आया है। और भाई के पास स्टे किया था, अभी आराम से सो के उठे थे, खाना भी खा लिया। आंटी मानी नहीं भाई खाना खिलाने के बिना, बोली नहीं भेजेंगे। और भाई जब भी लद्दाख वगैरह करेंगे भाई के पास मैं ज़रूर आऊँगा। भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, 10 साल के बाद मिल रहे हैं हम। मिले तो थे 2 साल पहले, ये मेरे घर आया था, लेकिन वैसे मैं 10 साल से मेरे को बोल रहा था आ जा, लेकिन आज मैं आ पाया। ठीक है भाई, आ गया ना? ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई वो बाइक्स की सफाई चल रही है, लोकी भाई बाइक की सफाई कर रहे हैं और 9:30 बज चुके हैं। यहाँ पे चेन ल्यूब करी है जावा 42 की, वहाँ पे हमने ट्यूब 390 की। मैं एक बार हालत दिखा देता हूँ क्या हो रखी है, तो देख सकते हो भाई कैसी सिचुएशन हो चुकी है बाइक्स की। अगर आप देखोगे तो देखो रेडिएटर पे भी कितना मड आ चुका है भाई। सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा। तो गाइस, सौरभ भाई के घर से निकल चुके हैं और अभी हमारा प्लान है सीधा कश्मीर जाने का। एंड वो यहाँ से आई थिंक 290 किलोमीटर है, तो देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाते हैं और देखते हैं रास्ता खुला भी है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई बर्फबारी हुई है, परसों हुई है, तो उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक थे और आज हमने न्यूज़ भी पढ़ी है। तो देखते हैं भाई कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्या सीन है, लेकिन जितना हो पाएगा उतना तो करेंगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं चिनानी टनल में। ये चिनानी सिटी था और भाई क्या टनल है यार, अब आएगा ना मजा। दो भाई साहब, और साउंड कितना मस्त आ रहा है अपनी बाइक्स का यार। और यहाँ पे मतलब टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा लग रहा है कि हम विंटर में है ही नहीं। आई थिंक 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे बाहर ठंड थी, यहाँ पे गर्मी है, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न टनल के वजह से ही होगा। और बाइक कार चलती है भाई, देखो यार देखते हैं कितनी लंबी है टनल। 728 किलोमीटर पे हम चले आए हैं, 600 मीटर्स आई थिंक कंप्लीट कर लिया हमने। आई थिंक मैंने जो सुना ये 8 किलोमीटर लंबी है, 8 से ऊपर ही होगी, इसी के बारे में सुना था वो, आज सौरभ के पापा बता रहे थे। अब जो टेम्परेचर है वो डाउन होना स्टार्ट हो चुका है गाइज, और मेरे को लग रहा है टनल ख़त्म होने वाली है जैसा मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर काफ़ी घट चुका है और पैरों पे ठंड फील होने लगी है दोबारा से। और 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी भाई टनल ही दिख रही है, देखते हैं। 9 किलोमीटर तो है ही भाई, ये जितना बाइक ने बताया 9 से तो ऊपर ही है। हाँ, अब शायद लाइटनिंग आनी स्टार्ट हो गई, तो बिल्कुल 9 किलोमीटर लंबी है गाइस, 9 से ज़्यादा ही है, 150 मीटर कम नहीं है बिल्कुल भी। नौ किलोमीटर लंबी टनल, फील हो गया था अंदर से कि भाई पत्थर था, कि टेम्परेचर डाउन होने लगा है। और अब व्यू देखो यार, रामबन, ये जगह अब रामबन लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन अगर ये टनल नहीं होती ना तो इसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे 3 से 4 घंटे बच गए, जैसा कि आज के टाइम में लगता है। अदरवाइज 3 से 4 घंटे हमें घूमना ही पड़ता तब आ पाते। बहुत भाई ये टनल जितनी भी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते, बहुत ही ज़्यादा। A few moments later. बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है भाई, नहीं तो इतना लंबा जो ट्रेवल करके आए सारा खराब हो जाता।
रुक 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 आगे रख, थैंक यू सर। तो गाइस सर ने परमिशन दे दी है, बाइक्स तो अलाउड है लेकिन जो बड़े व्हीकल्स हैं वो ट्रक वगैरह वो नहीं जा सकते। और एक बार के लिए सांसें रुक गई थी क्योंकि पुलिस ने हमें रोक लिया था। और भाई बस क्या ही बताऊं आपको, मतलब जो फीलिंग थी ना वो यहीं पे ऐसा हो गया था कि वो बोले थे सर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप पीछे रुक सकते हो, इसे पीछे कहीं भी घूम लो। तो हमने रिक्वेस्ट करी सर एक बार पता तो कर लो, क्योंकि गूगल मैप भी कहीं पे ब्लॉक नहीं दिखा रहा। तो इन्होंने कॉल वगैरह करी तो इनको परमिशन मिल गई कि बाइकर्स को आने दो, अलाउड है। गाइस जो ये फीलिंग है ना अभी, मतलब बोलते ना कुछ चीज़ छीन के वापस दे दी जाए, उसमें जो फीलिंग है बस वो बयान नहीं कर सकते भाई। अपने भाई कहाँ रह गए, ABS का बहुत फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा। अब हमें रोड थोड़े ख़राब मिलने लग गए। अरे भाई साहब क्या कितनी तेज भाई हवा चल रही है यहाँ पे। अरे रेस नहीं दे रहा भाई, टोटल नहीं दे रहा बिल्कुल, टेंशन ना ले। आंखों में आगे लगी ना स्नो यार, स्नो उड़ रही है। भाई साहब क्या तेज हवा चल रही है यार, स्नो उड़ रही है भाई पूरी। सो गाइस वेलकम टू जवाहर टनल, यहाँ से टनल स्टार्ट होती है एंड हमें लेनी है उस साइड। और यहाँ आते आते काफी टाइम लग गया। जवाहर टनल ठीक है भाई, कितने कम टेम्परेचर में अपने काम करते रहते ना। यहीं पे रोक लूं सर, आराम से जा रहे सेट। यार कितने फ्रेंडली होते हैं ना, सर ने बोला उधर से कुछ निकालो निकालो निकालो। तो गाइस वंस अगेन वेलकम टू जवाहर टनल एंड ये सिंगल लेन है, इसीलिए एक दिन जा सकते हैं एक दिन आ सकते हैं। एंड ये 3 किलोमीटर्स की है, यहाँ पे कोई भी ब्लैक आइस नहीं होगी क्योंकि स्नो ही नहीं गिरती। सो गाइस फाइनली एक आर के बाद टनल से बाहर निकलते हुए यार, और बिल्कुल दिन था। और अब तो भाई नज़ारा ही अलग है और राइट में भाई साहब
राइट में देखना निकलते ही, राइट में देखना और राइट में ही रखना, राइट टायर के पीछे गाड़ियों के, क्योंकि लेफ्ट में ब्लैक आइस काफ़ी है। आराम से चल रहा है, बिल्कुल सेफ। और ट्रैफिक अभी भी है। अरे राइट में देखो यार, रोक रहे हैं। मुश्किल तो है लेकिन कर लेंगे। कितने नीचे होगा सर, कितने नीचे तक होगा? 8 किलोमीटर और चलना है। होटल देख लेंगे नीचे, होटल कितने नीचे मिलेंगे? सो गाइज, फाइनली काजीगुंड में है हम, और जवाहर टनल से निकलने के बाद हमें 4 से 5 घंटे लग गए यहाँ आने में। और जैसे ही आप काजीगुंड में आते हो, जैसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट लेते हो काजीगुंड के लिए, ये नीचे आ रहा है रास्ता, तो सबसे पहला जो होटल है वो ये है होटल शाहीन, और भैया यहाँ के ओनर है। और अगर कभी भी आप आओ, विंटर में आओ, समर में आओ, एक बार ट्राई ज़रूर करना होटल, काफ़ी अच्छा होटल है, खाना भी है और स्टे भी है, और रूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, हाइजेनिक रूम है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई रूम खराब मिलेंगे आपको, काफ़ी अच्छा रूम मिल गया। और सबसे अच्छी बात है प्राइस भी बहुत अच्छा है, अगर एक बाइकर के लिए आप सब देखते हो कि भाई एक बजट वाली चीज़ होती है और बजट में ही रूम देखते हो, तो एक बार काजीगुंड आओ। कभी पहलगाम वगैरह जाओगे तो भाई के पास ज़रूर आना, भाई का नाम है जुबेर, और नंबर नीचे मैं डाल दूंगा, नीचे आ गया होगा नंबर, आपने देख लिया होगा। कभी भी आओ तो ज़रूर आना एक बार होटल शाइन में। अभी एक बार खाना वगैरह खा लेते हैं, और बाइक्स यहाँ पे खड़ी कर दी है, पार्किंग वगैरह सब कुछ है, कार से भी आओगे कार्स की भी पार्किंग है, सारा सब कुछ है। तो अभी चलते हैं रूम में, यार काफ़ी लेट हो चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं, आपको पता है कि कितनी देर से हम चले हुए हैं, सुबह जम्मू से चले थे और अभी इतनी रात में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये अपनी बाइक्स खड़ी हैं तीनों की, और एक बाइक आई है ये नोएडा से, देख सकते हो ये दोनों भाई पहलगाम करके आ चुके हैं और अभी रुके हुए हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, रुकने के बाद 10 मिनट हुए हमें, तो देख सकते हो भाई क्या सिचुएशन है, मेरा बैग देख सकते हो, 10 मिनट में ही चलते टाइम नहीं हुआ, ये रुकने के बाद हुआ भाई, भाई सोच सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। और चलते हैं नीचे। तो गाइस ये है सुबह का पहला व्यू काजीगुंड का, तो देख सकते हो अभी अभी उठे हैं जस्ट, प्रॉपर दिखाऊंगा आपको।